हेलो एवरीवन, स्वामी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करने से पहले आप सभी हमारे स्वामी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बिल्कुल दबा दीजिए। हमारे संस्थान में एंट्रेंस के अलावा जो है सीटेट, एस्टेट और डीएलएड की भी एंट्रेंस की भी तैयारी होती है, ठीक है। तो जितने भी टीचिंग की तैयारी आप करने चाहते हैं तो वो आप हमारे संस्थान से जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर से पर जो है सेट प्रैक्टिस का भी सुविधा उपलब्ध है। तो चलिए स्टूडेंट, तो बेल आइकन अगर आप दबा दिए हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं तो फिर हम लोग चलते हैं आज के क्वेश्चन के डिस्कशन पर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहली बात है कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन को जो है यहाँ सबसे पहली बात है कि बताया गया है कि बताया गया है, एक मिनट रुक जाइएगा, हाँ क्वेश्चन नंबर जो है वन जो है ये कॉम्प्रिहेंशन जो है देखेंगे हम लोग। और पहले सबसे पहले क्वेश्चन वन पढ़ने से पहले हम लोग डायरेक्शन पर ध्यान देंगे। डायरेक्शन कह रहा है कि इन दीज क्वेश्चंस सेंटेंस आर गिवन द ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विथ एन एप्रोप्रिएट वर्ड्स। फोर अल्टरनेटिव्स आर सजेस्टेड फॉर इच क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स। यानी कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पर दिए गए फिलअप को जो है क्या करना है, कंप्लीट करना है ये चार जो है एप्रोप्रिएट जो है ऑप्शन को देखकर, और फिर उसके बाद जो है हम लोग आंसर को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट हैज अर्न्ड द डैश डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट गार्बेज डंप। कहने का मतलब है कि दुनिया की सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट एवरेस्ट, तो ये माउंट एवरेस्ट पर जो कचरे का ढेर बन रहा है तो ये सबसे बड़ा कूड़ेदान के रूप में जो है बन रहा है। तो ये अभी क्या है भाई, तो मार्क्ड किया गया है, चिन्हित किया गया है डिस्गस्टिंग। डिस्गस्टिंग मतलब क्या होता है, घिनौना ये कृत्य है। फिर है उसके बाद डुबिडियस, और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपका ये है डिस्मल, ठीक है। तो यहाँ मार्क्ड मतलब क्या हो गया भाई, चिन्हित हो गया, ठीक है। उसके बाद डिसगस्टिंग मतलब होता है घिनौना, क्या होता है घिनौना। उसके बाद नेक्स्ट है आपका डुबिडियस का मतलब होता है क्या, जिसको कहते हैं संदिग्ध, ठीक है। और लास्ट है भाई डिस्मल, ठीक है। तो डिस्मल मतलब क्या होता है, निराशाजनक होता है, निराशाजनक। तो अब क्या देखेंगे भाई कि दुनिया की सबसे जो ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, तो उस पर जो है ये बन रहा है दुनिया का संदिग्ध कचरे का ढेर, ठीक है। तो संदिग्ध के लिए हम क्या बोलेंगे, डुबिडियस। यानी कि माउंट एवरेस्ट हैज अर्न्ड द डुबिडियस डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट गार्बेज डंप, ठीक है। तो चलते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है द क्लर्क आस्क्ड फॉर माई डेस्क, द क्लर्क आस्क्ड फॉर माई डेस्क, यानी कि क्लर्क ने मेरे किसके लिए पूछा, ठीक है। तो मेरे पद के लिए पूछा, ठीक है। तो क्या होगा, डेजिनेशन, क्या होगा भाई,
डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन का मतलब क्या होता है? तो डेजिग्नेशन का मतलब हम बच्चे क्या बोलेंगे? पद बोलेंगे, ठीक है। तो पद के लिए क्लर्क ने पूछा, ठीक है। उसके बाद है डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है? जिसको कि हम कहते हैं गंतव्य, क्या बोलेंगे? गंतव्य बोलेंगे। उसके बाद है डेस्टिनी, कहते हैं ना माई डेस्टिनी, ठीक है। तो डेस्टिनी का मतलब क्या होता है? जिसको कि हम तकदीर कहते हैं, क्या कहते हैं? तकदीर कहते हैं। उसके बाद है डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन का मतलब क्या हो जाता है? यानी जिसे हम कहते हैं दृढ़ निश्चय, क्या कहते हैं? दृढ़ निश्चय। ठीक, तो इसलिए द क्लर्क आस्क्ड फॉर माई, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो माई डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन राइट आंसर डी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है द बॉयज वेयर डैश टू हियर डेट वी वेयर गोइंग टू बिल्ड अ ब्रिज, ठीक है। तो द बॉयज वेयर डैश टू हियर, ठीक है, लड़के जो है डैश टू हियर डेट वी वेयर गोइंग टू बिल्ड अ ब्रिज, यानी कि एक हम लोग जो है मतलब कि ब्रिज बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए जाएंगे, ठीक है। ऐसा लड़कों ने क्या किया? सुना, ठीक है। तो ऐसा लड़के ने सुना तो क्या हो जाएगा? डिलाइट, डिलाइट्स, डिलाइटेड या डिलाइटिंग बताया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देंगे? डिलाइटेड, क्या देंगे? डिलाइटेड। तो ये डिलाइटेड मतलब क्या होता है इनको समझिए। डिलाइटेड का मतलब होता है बच्चा, जिसे कि हम एक बोलिए कि डिलाइटेड का मतलब होता आनंदित होना, ठीक है। तो यानी कि लड़कों ने आनंदित होकर के सुना और हम लोग जो है एक ब्रिज निर्माण करने के लिए जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब होता है आनंदित होकर, ठीक है, आनंदित होकर। उसके बाद है नेक्स्ट है डिलाइट, ठीक है। तो डिलाइट का मतलब क्या होता है? तो डिलाइट का मतलब देंगे आनंद, डिलाइट का मतलब होता है आनंद। और डिलाइट्स का मतलब क्या होता है? इसका भी सेंस जो होता है डिलाइट्स का मतलब एक प्रसन्न के सेंस में होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया प्रसन्न। उसके बाद चौथा है डिलाइटिंग, डिलाइटिंग। तो डिलाइटिंग मतलब क्या हो जाएगा? तो डिलाइटिंग मतलब हो जाता है खुश, ठीक है। डिलाइटिंग मतलब क्या हो जाता है? खुश हो जाता है। तो क्या होगा? डिलाइटेड, द बॉयज वेयर डिलाइटेड टू हियर दैट वी वेयर गोइंग टू बिल्ड अ ब्रिज, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर की ओर चलेंगे। कह रहा है डायरेक्शन में कि इन दिस क्वेश्चंस आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन इन बोल्ड, ठीक है। बैरन, बैरन मतलब क्या होता है? बैरन जिसको कि हम क्या बोलते हैं, तो पहला है गुड, दूसरा है होलसम, तीसरा है अनप्रोडक्टिव और चौथा है प्रॉफिटेबल, ठीक है। तो गुड मतलब हो गया अच्छा। उसके बाद यहाँ देखिए एक चीजें है कि चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड इन बो, यानी कि इनके जैसा सेम मीनिंग को आपको क्या करना है? चूज करना है। तो बैरन का मतलब होता है अनुपजाऊ, ठीक है, अनुपजाऊ, ठीक है, यानी कि जो उपजाऊ योग्य नहीं होते हैं उसे हम कहते हैं अनुपजाऊ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अनप्रोडक्टिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अनप्रोडक्टिव हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव में चलेंगे हम लोग। कह रहा है डायरेक्शन में इन दिस क्वेश्चंस चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड
वर्ड गिवन इन बोल्ड, ठीक है, इनमें अपोजिट वर्ड को क्या करना है, चूज करने हैं, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि इनफर्मिटी, इनफर्मिटी का मतलब क्या होगा ये बताइए, इनफर्मिटी का मतलब होता है दुर्बलता, ठीक है। अब इनका जो है अपोजिट क्या होगा, तो सबके पहले हम लोग जब तक मीनिंग नहीं जानेंगे तो फिर हम लोग अपोजिट वर्ड को नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे कि इनफर्मिटी, उसके बाद है पहले तो है इम्प्लॉयमेंट, इम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोजगार, ठीक है, क्या होता है, रोजगार होता है। उसके बाद है इनडिस्पोजिशन का मतलब होता है अस्वस्थता, क्या होता है, अस्वस्थता, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेंथ का मतलब होता है मजबूती, और वीकनेस का मतलब होता है कमजोरी। तो राइट आंसर यानी कि, तो इनफर्मिटी का अपोजिट क्या होगा, दुर्बलता का मजबूती हो जाएगा ना बच्चा, ठीक है। तो क्या देंगे हम, स्ट्रेंथ देंगे। तो राइट आंसर क्या हो गया, स्ट्रेंथ हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सिंथेटिक का जो है अपोजिट क्या होगा। तो सिंथेटिक का जो कि क्या होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं। सिंथेटिक का मतलब बच्चा क्या होता है, कृत्रिम होता है, यानी कि जो मैनमेड होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कृत्रिम बोलते हैं, ठीक है। तो सिंथेटिक का मतलब होता है कृत्रिम, तो इसका नेचुरल होगा, क्या होगा, नेचुरल। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, क्या होगा भाई, नेचुरल का मतलब होगा प्राकृतिक, ठीक है। उसके बाद है प्लास्टिक, प्लास्टिक तो आप समझते ही है जो कि आर्टिफिशियल ही होता है प्लास्टिक, ठीक है, चलिए ये तो नहीं होगा भाई। उसके बाद है कॉस्मेटिक, ये भी क्या है, जिसको कि अंगराग कहते हैं, क्या कहते हैं, अंगराग कहते हैं। तो ये भी कॉस्मेटिक का यूज हम तभी करते हैं ना, यानी कि नेचुरल ब्यूटी को क्या करने के लिए, छुपाने के लिए, यानी कि कॉस्मेटिक का यूज इसलिए होता है ताकि आपके चेहरे को क्या कर सके, प्राकृतिक रूप से मतलब कि निखार सके, ठीक है, चलिए उसके, या नरिश कर सके। उसके बाद है अपैथेटिक, ठीक है। तो अपैथेटिक का मतलब जो है क्या होगा ये बताइए, अपैथेटिक का मतलब होता है उदासीन, क्या होता है, उदासीन, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए अब बता दीजिए, तो नेचुरल होगा ना, सिंथेटिक का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, यानी कि प्राकृतिक हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अगला क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा आप, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं, कह रहा है डायरेक्शन इन दिस क्वेश्चन, 4 अल्टरनेटिव आर गिवन फॉर द आइटम्स और फ्रेजेस इन बोल्ड और इटैलिक इन द सेंटेंस, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट Expresses the meaning of the item or phrase given in bold, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करने हैं, फ्रेज से रिलेटेड जो है क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहला है yesterday in a collision between a truck and a car he had a close shave, ठीक है, यानी कि बस और ट्रक के टक्कर में, यानी कि पिछले रात जो है वो क्या हो गया, यानी कि गंभीर जो है दुर्घटना हो गई ट्रक और कार में गंभीर टक्कर से। तो क्या होगा, मेंशन क्लीनाइनेस
रिमूव द इंटायर हेयर हो जाएगा यहाँ। उसके बाद है नैरो स्केप और नेक्स्ट है क्लोज रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या जाएंगे, तो आ नैरो स्केप में जाएंगे भाई, ठीक है। ए नैरो स्केप का मतलब क्या होता है, इनको जानिए। आ नैरो स्केप का मतलब क्या होगा भाई, तो इसमें कहेंगे हम ये कि नैरो का मतलब होता है क्या, यानी कि सकरा, ठीक है। स्केप का मतलब क्या हो जाता है भाई, तो स्केप का मतलब हो जाता है यानी कि बाल बाल बचना, यानी कि नैरो स्केप का मतलब बाल बाल बचना। कहते हैं ना, अगर ये टक्कर होते होते बच गई, बाल बाल हम बच गए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, अ नैरो स्केप हो जाएगा। जबकि मेंटेन क्लीनलीनेस का मतलब होता है यानी कि स्वच्छता को बनाए रखना। रिमूव द इंटायर हेयर का मतलब होता है बालों, संपूर्ण बालों को हटाना। उसके बाद है क्लोज रिलेशन, रिलेशंस का मतलब होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, करीबी रिश्ता बोलते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, तो अ नैरो स्केप इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 8। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है सिंस यू कुड नॉट एक्सेप्ट अ टाइमली वार्निंग, इट्स नो यूज रिपेंटिंग नाउ, व्हाई क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, सिंस यू कुड नॉट एक्सेप्ट, ठीक है, कुड नॉट एक्सेप्ट अ टाइमली वार्निंग, यानी कि टाइमली वार्निंग चेतावनी स्वीकारने के बावजूद भी जो है वह मतलब कि नहीं कर सकता है, ठीक है। इट्स नो यूज रिपेंटिंग नाउ, ठीक है। तो यहाँ रिपेंटिंग का मतलब क्या होगा, रिपेंटिंग का मतलब होता है पछताना, ठीक है। इट्स नो यूज रिपेंटिंग यानी कि उनके लिए पछताने के लिए कोई चीजें नहीं है। तो नाउ व्हाई क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, मतलब कि दूध गिरने पर सिर्फ वो क्या कर रही है, क्राई कर रही है, चिल्ला रही है। तो क्या होगा, क्राई ओवर इरेपेरेबल लॉस टू रिग्रेट यूज लेसली, तीसरा है क्राइड नीडलेसली, चौथा है फील गिल्टी ऑफ, ठीक है। तो यहाँ हम सबसे पहले जानेंगे कि क्राई ओवर इरेपेबल लॉस का मतलब होता है अपूर्णीय क्षति होना, क्षति पर रोना, क्षति पर रोना, ठीक है। जैसे अपूर्णीय क्षति होती है उस पर रोना। उसके बाद है टू रिग्रेट अनयूजलेसली, ठीक है। टू रिग्रेट अनयूजलेसली का मतलब होता है व्यर्थ में पछताना, क्या हो जाएगा भाई इसका, व्यर्थ में पछताना। उसके बाद है क्राई नीडलेसली का मतलब क्या हो जाएगा, तो बेवजह, जिसको कहते हैं ना रोज रोना, तो बेवजह रोना। और उसके बाद है फील गिल्टी ऑफ, फील गिल्टी ऑफ का मतलब होता है दोषी महसूस करना, दोषी महसूस करना, ठीक है। तो इस तरह से हम देंगे, तो यहां पर के क्या होगा भाई, व्यर्थ में पछताना, why cry over spilled milk, यानी कि जब दूध गिर गया तो भाई क्यों पछता रहे हो, फालतू का, जो गिर गया गिर गया, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, B is right answer हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, आफ्टर 15 ईयर्स ऑफ मैरिज सी डिड नॉट एक्सेप्ट हर हस्बैंड टू लिव हर इन द लर्च, ठीक है। तो यानी कि कहिए कि 15 यानी 15 साल शादी के बाद भी वह अपने हस्बैंड को, अपने पति को मतलब कि एक्सेप्ट यानी स्वीकार नहीं कर रही है, तो नहीं कर रही है, तो वह क्या अचानक क्या हो रही है भाई, लड़खड़ा रही है। तो यहाँ क्या होता है, अचानक लर्च का मतलब होता है अचानक एक ओर लड़खड़ाना, अचानक एक ओर लड़खड़ाना,
ठीक है। फिर है लिसन टू हर, प्रोवोक हर, इग्नोर हर, उसके बाद है डेजर्ट हर, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले सबके मतलब को जानेंगे। क्या पहला है, लिसन टू हर यानी कि उसे सुने, उसे सुने। उसके बाद है प्रोवोक हर, प्रोवोक का हर का मतलब क्या होता है, जिसका तात्पर्य क्या होता है, प्रोवोक मतलब होता है उपेक्षा करना, यानी कि उसकी उपेक्षा करना, उसकी उपेक्षा करना। उसके बाद है इग्नोर हर, इग्नोर करना, जैसे कि जिस किसी को हम क्या करते हैं, मतलब कि प्रोवोक मतलब यहाँ देखिए प्रोवोक मतलब उकसाना भी होता है भाई, या उकसाने के भी सेंस में होगा, ठीक है। और इग्नोर का मतलब होता है नजरअंदाज करना, नजरअंदाज करना या उपेक्षा करना। ठीक है। उसके बाद है डेजर्ट हर, डेजर्ट हर्ट हर का मतलब यानी कि कहते हैं ना वीरान छोड़ देना या मरुस्थलीय जैसा वाली बात है, ठीक है, वीरान छोड़ना, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, तो हम देंगे किसकी ओर जाएंगे हम लोग, बताया जाए, नाइन नंबर। तो नाइन नंबर जो आपका लॉजिक कहेगा, कहेंगे डेजर्ट है हर, ठीक है, कि उन्होंने उसे वीरान छोड़ दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है डायरेक्शन में, इन दिस क्वेश्चन फोर वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ द विच ओनली वन इज मिस स्पेल्ड, फाइंड दैट मिस स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। अब यहाँ चारों जो है मिलेनियम दिया है, तो आपको राइट मिलेनियम का जो है मतलब कि सही चूज करना है कि भाई राइट मिलेनियम कौन सा होगा, ठीक है। तो राइट मिलेनियम की ओर अगर हम जाएंगे तो सबसे देखिए इसमें मिलेनियम सही है नहीं, ये गलत है, ये वाला क्या है सही है मिलेनियम, ठीक है। उसके बाद ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें आपको क्या करना है, राइट जो है ऑप्शन चूज करने हैं, ठीक है, कॉरेस्पोंडेंट का, ठीक है, कॉरेस्पोंडेंट का हम राइट क्या देखेंगे, तो देखेंगे कॉरेस्पोंडेंट, ये आपका क्या है राइट आंसर है, बाकी क्या है यहाँ गलत है सारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, CORRESPONDENT कॉरेस्पोंडेंट, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में है जेलसी का मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, करेक्ट मीनिंग को चूज करेंगे, यानी कि करेक्ट वर्ड कौन सा है, इनको हम लोग देखेंगे किसका, जेलसी का। तो जेलसी का जो करेक्ट मीनिंग है यहाँ है जेलसी, जेलसी, ठीक है, ये आपका सही है। उसके बाद ये गलत है जेलोसी, उसके बाद ये भी गलत है, तो ऑप्शन हो गया बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, कह रहा है डायरेक्शंस में निर्देश है, इन दिस क्वेश्चंस आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स और सेंटेंस, ठीक है। तो सबसे हम जो है यहाँ पर कह रहा है सब्स्टिट्यूट वर्ड को खोजना है, ठीक है, यानी कि जिसको कि हम क्या कहते हैं, एक अनेक शब्दों के बदले, जैसे एक शब्द होते हैं अ टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिजीज्ड ऑर्गन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड, यानी कि एक ऐसी जांच जो कि कोशिकाओं में और अंगों में बीमारियों को क्या करता है, रिमूव करता है और उसका टेस्टेड करता है, उसको हम क्या कहते हैं, बायोप्सी कहते हैं, ठीक है, आई बात समझ में। उसके बाद है जैसे कि यहाँ ऑपरेशन है, ऑपरेशन नहीं कहेंगे, ऑटोप्सी भी नहीं कहेंगे और एम्पुलेशन, एम्पुटेशन भी नहीं कहेंगे, आई बात समझ में। चलिए एम्पुटेशन का मतलब होता है विच्छेदन, क्या होता है भाई, विच्छेदन होता है,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है लिस्ट ऑफ इश्यूज आर टू बी डिस्कस्ड एट द मीटिंग, ठीक है, यानी कि किसी इश्यू पर, किसी मतलब कि ऐसी बातों पर जिस पर हम लोग क्या करते हैं, यानी कि डिस्कस करने के लिए एक मीटिंग को तैयार करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, एजेंडा कहेंगे। क्या कहेंगे? एजेंडा कहेंगे, शेड्यूल नहीं कहेंगे, टाइम टेबल नहीं कहेंगे, प्लान नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, एजेंडा कहेंगे। एजेंडा का अगर शुद्ध हिंदी अगर कहा जाए बच्चे तो ये हो जाता है कार्यसूची, कार्य सूची। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है डेट विच कैन नॉट बी इजिली रीड, यानी कि कौन ऐसा चीज है जिसे कि आसानी से नहीं पढ़ सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेजिबल, इनकम्प्रिहेंसिबल, अनरीडेबल, फिर उसके बाद अनइंटेलिजिबल, क्या बताएंगे, बताइए। तो यहाँ जिसे हम मतलब कि आसानी से, इजिली हम नहीं पढ़ सकते हैं, उसको हम बोलेंगे इलिजिबल, ठीक है, यानी कि जो पढ़ आसानी से पढ़ नहीं सकता है उसको कहते हैं इलिजिबल, ठीक है, यानी कि जिसको कि हम कहते हैं अस्पष्ट, ठीक है, जो अस्पष्ट ना हो जिसे, तो वो पढ़ने में क्या होते हैं, अस्पष्ट होते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने 15 क्वेश्चन जो है इंग्लिश का किया, ठीक है, फिर हम लोग और भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन जो है दूसरे वीडियो में देखेंगे, जैसे हिंदी का, जीके का और टीचिंग एप्टीट्यूड का, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट फिर क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तो अगर आप सभी को आज का क्लास कैसा लगा फिर भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।